श्रुति, ये पानी पीने का है ना? हाँ बेटा, साफ पानी है, पी लो। आप? मैं, ये मेरी माँ है। जीते रहो। चले प्रकाश। हाँ हाँ चल। श्रुति, तुमने मुझे कभी बताया नहीं ये तुम्हारी माँ है? ऑफिस चलो, बताती हूँ। अच्छा लड़का है। दिनेश राय की कंपनी में नौकरी करने की यही वजह थी मेरी, दिनेश राय को बर्बाद करना। दिनेश राय को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचता तो मुझे बड़ी खुशी होती। आखिरकार उन्हें उनके किए की सजा मिली गई। तुम्हें पता है, मैं काली मामा की जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगी, क्योंकि आज उन्हीं की वजह से मैं इस दुनिया में हूँ। बचपन से मैं उन्हीं के साथ रही हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे एक बात नहीं बताई। क्या? कि उनका एक बेटा भी है। खैर, नहीं बताने की भी कोई वजह जरूर होगी, वक्त आने पर वो मुझे खुद ही बता देंगे, मैं जानती हूँ। क्या हुआ श्रुति? तुमने क्या कुछ नहीं देखा अपनी जिंदगी में, है ना? और मैं ये सोचता था कि मेरी जिंदगी कितनी मुश्किलों से भरी हुई है। वक्त देखा है, घर नहीं जाना, चलो। ओह माय गॉड, चलो 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 चल। सामने खड़ा हो गया और उसे यह पता चल गया कि उसी के जरिए हमने रूमा को पैसों के लिए फोन करे तो जाने मत देना। बहुत झेल लिया है हमने उसे, अब वक्त आ गया है, मौका देकर उसे भी खत्म कर दो। कहां तक जा सकते हैं? ज्यादा कुछ हुआ नहीं बेटा, दादू पानी पी लीजिए।
हेलो, मुझे क्यों सजा दे रही स्मृति? सजा? हाँ, ये घर मुझे खाट खाने को दौड़ता है, बिल्कुल अकेली हो गई हो रे, किसी काम में मन नहीं लगता। मैं समझ सकती हूँ दीदी। समझ सकती है तो क्या कर रही है अब तक? वापिस आ जा स्मृति, राहुल भी सारा दिन अकेला भटकता रहता है, हम सबको तुम सबकी सख्त जरूरत है। ठीक है दीदी, मैं दीपक से बात करती हूँ, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा। रखती हूँ। हाँ, क्या सोच रही हो? दादा की याद आ रही है? बहुत स्मृति, उस दिन रात को भी फोन पर दादा के साथ मैंने अच्छे से बात नहीं की। मुझे क्या पता दादा के साथ मेरी आखिरी बात। दीपक, मैं समझ सकती हूँ। मैं तुमसे एक बात कहने आई हूँ। देखो दीपक, उस घर को तुम्हारी सख्त जरूरत है। बाबा को, राहुल को, दीदी को, हम उस घर वापस चलते हैं। मैं नहीं जा सकता। मुझे रह रखकर दादा की बातें कोसे, मेरे लिए वहां जाना बहुत मुश्किल। ऐसा कुछ नहीं होगा दीपक, सब ठीक होगा। हम नए सिरे से शुरुआत करेंगे। मुझसे नहीं हो पाएगी स्मृति, मुझसे नहीं हो पाएगी। राहुल बहुत अकेला पड़ गया है, उसके नाजुक कंधों पर इतना बोझ मत डालो। और फिर दीदी को भी मेरी जरूरत है दीपक। चलो ना, हम वापस चलते हैं। हेलो। हेलो आंटी जी, आलोक। हाँ बोलो आलोक। आंटी जी, रूमा मासी का पता मिल चुका है, अब फौरन थाने चले आइए, हम लोग अभी चलेंगे। पता मिल गया है? ठीक है आलोक, हम लोग बस जल्दी ही थाने पहुंचते हैं। हाँ हाँ ठीक है। या इंस्पेक्टर विकांत बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। इंस्पेक्टर आलोक,
दीपक और स्मृति को लेकर तुम्हारे घर आ रहे हैं और जितनी जल्दी हो सके फौरन वहां से निकल जाओ। हाँ हाँ, थैंक यू। क्या हुआ? अरे पता नहीं बेटी, कब तक ऐसे ही घर बदलते रहना होगा। क्यों, अब क्या हो गया? वो इंस्पेक्टर दीपक और स्मृति को लेकर यहीं आ रहा है। हाँ तो ठीक है, एक ना एक दिन तो उन्हें मिलना ही है, तो आज ही सही। कैसी पागलों जैसी बात कर रही है, अभी वक्त नहीं हुआ। देखो बेटी, जब तक तुम्हें तुम्हारा हक नहीं मिल जाता है, मिलना ठीक नहीं है। हमारे इतने सालों की मेहनत पर पानी फिर सकता है। तो क्या करें, इतनी जल्दी घर भी तो नहीं बदल सकते ना हम। क्या बात, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, हमें जल्द से जल्द ये घर बदलना है। अब इतनी जल्दी ये कैसे पॉसिबल है? एक बात कहूँ, अगर आप लोग चाहें तो मेरे घर पे चल के रह सकते हैं। इनफैक्ट मुझे खुशी होगी। बस जल्दी करो, जल्दी। क्या हुआ स्मृति, इतना हताश होने की बात नहीं है। नहीं दीपक, मुझे नहीं लगता कि मैं और दीदी कभी मिल पाएंगे, किस्मत में ही नहीं लिखा। अरे ऐसा क्यों कहती हो? तो देखो ना, जब भी उनके करीब पहुंचती हूँ वो मुझसे दूर निकल जाती है। तो साहस से निकली थी मैं घर से कि दीदी से मिलूंगी, मुझे नहीं लगता कि हम लोग कभी भी मिल पाएंगे। स्मृति, जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी वो सामने दिख रहा है। तुम भरोसा रखो, अपने ऊपर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। हम बहुत जल्द रुमा के करीब होंगे। वही भरोसा तो टूट रहा है दीपक। नियति हमेशा हमेशा हमसे दो कदम आगे चल रही है। आइए, कम कम। अब आप उस कमरे में रह सकते हैं। एंड फील एट होम। ओके, कम इस तरफ। श्रुति, तुम्हें कैसा लगा मेरा ये छोटा सा घर? बहुत अच्छा। ओके, सुनो, किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो बेझिझक कहना। मासी, अपना ख्याल रखना। तुम भी। प्रकाश, थैंक यू वेरी मच। किस बात के लिए? तुमने जो कुछ हमारे लिए किया, सच मैं तुम्हारे ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की क्या बात, बल्कि मेरे लिए कितनी अच्छी बात है कि रोज
मासी के हाथ का बना हुआ खाना मिलेगा। हाँ, सो तो है। श्रुति, तुम इस घर को अपने ही घर समझो। मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम इस घर को हमेशा के लिए अपना लो तो।